summit in Delhi, India's power show, Rishi Sunak and Joe Biden in India. So जल्दी से चलते हैं, वॉच करते हैं इस वीडियो को. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे. पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं ऑन G20 समिट में जो दिल्ली में होने जा रहा है उसके ऊपर जो है वो ऋषि सुनक, जो बाइडेन इंडिया आ चुके हैं और वहां पर उनको किस उनके ऊपर क्या पाकिस्तानी पब्लिक किस थॉट है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे. सो जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट. ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो. इंडिया की बात करें, 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहां पे जा रहे हैं. बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी. इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है. इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीजें. सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज है, G20 की मीटिंग होने जा रही है. इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फायदा क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा. इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं लेकिन पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फायदा होगा और पब्लिक का क्या फायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा. अब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा और उम्मीद है चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा जो सूरत हाल है ना. आप कैसे किस मतलब किस नजरिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं उनकी? देखें, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की जरूरत है. जैसे वो मोदी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रابطہ करो, हम आपके साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं. तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल मैं वजीर आजम से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं. भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है. हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, एक अरब डॉलर दे दो, एक अरब डॉलर. यार जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर तल्लुकात ने, उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहाँ से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है. ऐसे ही हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया. जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी. 9-10 सितंबर को इंडिया पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है. उसकी वजह यह है कि G20 की मीटिंग को लेके G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट करेंगे, यहां पर मीटिंग अटेंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से बात होगी और साथ ही साथ हम आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहां पर कितने अरसे से ही कोई इस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग क्यों नहीं हुई. सेकेंडली, 76 साल में इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या हमें आज भी अपनी गलतियों को मानकर इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, अपने रिलेशंस तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करने की ज़रूरत है? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में. चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आपका नाम? ज़ीशान खान, एडवोकेट. एडवोकेट, ज़बरदस्त. आपका नाम सर? जी मैं शाहद. आप क्या करते हैं? मेरे साहब का काउंसलर हैं. जी जी जी. और इस इलाके में मेरे केबल नेटवर्क चल रहा है. केबल नेटवर्क है, यानी पॉलिटिक्स में भी हैं और इस तरीके से पॉलिटिकल एक वर्कर हैं. अच्छा लगेगा आपसे बात करके. अच्छा, टॉपिक ये है इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और साथ नेबर कंट्री इंडिया की जो पोजीशन है, हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं जबकि इंडिया वालों में भी कल और परसों 20 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, G20 के मेंबर हैं, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए. जैसा कि हम और इंडिया और बांग्लादेश भी हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरूनी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन जो बेहतर बहुत अच्छे बनाए हैं और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख ले
और हमारा देख लें, इंडिया में तकरीबन 85 रुपी का एक डॉलर बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा है। ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा कुछ और है। शायद आपके आपको वो आपके इलम में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसे ही है, ठीक है। हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, वो चांद पर पहुंच रहे हो, हमारी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। हम खुद कह रहे हैं कि जनाब वो पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। हम मिलके अगर मिली भक्त और मिलके इंशाल्लाह ताला काम करें, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे काम देख लें, हम उसके मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, इन्होंने जो बात किया कि भाई हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं आपका हमारे साथ मुकाबला बनते नहीं। मैं 100% एग्री करता हूं, वो लोग कहते हैं कि भाई अपना मुकाबला हमारे से ना कियो किया करो, लेकिन ये हम सीखने की तरफ तो जा सकते हैं ना, हम उनसे सीख तो सकते हैं कि सीख भी नहीं सकते। सर पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान से सीखती है। अच्छा, और ऐसा वक्त आन पड़ा हम मुसलमानों पे, मुस्लिम कंट्रीज़ पे, मुस्लिम कंट्री की बात तो मैं बाद में करूँगा ना, हम पाकिस्तानियों पे ऐसा वक्त आन पड़ा कि हमें ज़रूरत पड़ गई है किसी को किसी से सीखने की। आपने बोला पूरी दुनिया हमसे सीखती है, मुझे कोई इसकी एक एग्जांपल, मुसलमानों से सीखती है, कोई इसकी एक एग्जांपल दे दें। और दूसरे नंबर पर अगर लेट्स सपोज आपकी बात मान लेता हूँ कि पूरी दुनिया मुसलमानों से सीखती है, पूरी दुनिया मुसलमानों से सीख गई, मुसलमान खुद नहीं अपने आप से सीखे, मतलब इसकी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोरोना ऑल वर्ल्ड पे आया, जी जी, पूरी दुनिया ने इमरान खान से सीखा। कैसे सर? पूरी दुनिया ने कहा जिस तरह इमरान खान ने कवर किया, काबू पाया कोरोना पे, हमें भी सीखना चाहिए इमरान खान से, इसने किस तरह, इमरान खान साहब ने किस तरह कवर किया और किस तरह इन्होंने काबू पाया इसके ऊपर। लेकिन एक चीज है, देखें हमने बात करनी है टेक्निकल लॉजिक के ऊपर बात करनी है। हमने क्या कोरोना की वैक्सीन बनाई? हमने क्या कोरोना, इंडिया वालों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, चाइना ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, हमने कोई चाइना की यूज की, कोई कहाँ की यूज की? लेकिन आपको लगता है कि हमने टेक्निकल, इसका तो हल ये था ना कि दुनिया तब कहती कि भाई जो पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाई है हमने वही यूज करनी है या वैसी वैक्सीन? फिर मैं कहता कि वाकई सर ये कैसी, आपके सवालों में खुद ही उनके जवाब मौजूद है। टेक्निकली हमने क्या करा है, जो हमारे जीरो हैं उनको आप, जो हमारे हीरो हैं उनको आपने जीरो बनाया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का आपने क्या हाल किया हुआ है, जो कैद काट के निकलते हैं बाहर आप उनको वजीर अजम बना देते हो। आप खुद उनको फॉलो करो ना, खुद पिक करो, खुद सोचो, रियलाइज करो कि हम अपनी कौम के साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं, जिसका नाम लेने पर बंदी लगी होती है उसका, उसकी कोई एक वजह तो बताओ आप। ऐसे ही है बिल्कुल, उसने दो यूनिवर्सिटीज बनाई, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अपनी जिंदगी जिस वक्त इमरान खान के साथ मिलने के लिए दुनिया तरसती थी, ऐसी जो पर्सनैलिटीज थी जो इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए वो सोचते थे कि काश एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, आज वही बंदा हमारी खातिर जेल में वो। लेकिन उसकी रीज़न ये बताई जाती है, नो डाउट ये जो आपने बातें हैं कि एक बहुत बड़ी सेलेब्रिटी थे, हैं भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सेलेब्रिटी थे और हैं, लेकिन वो ये कहा जाता है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। वो जब अदारों को, जब आप लोग इस तरीके से हम लोग डिग्रेड करेंगे या उनके ऊपर अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया भी यही कहेगी कि एक तरफ नंबर वन एजेंसी या आर्मी और दूसरी तरफ। सर जब से हम पैदा हुए ना, हमारी माएँ भी और हम खुद भी कह रहे थे हम बड़े हो के ना पाक आर्मी में जाएंगे, ठीक है, तो इस कदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक आर्मी को सल्यूट करते हैं और हमारा ईमान है वो, ठीक है। लेकिन हम आई हैव नो वर्ड्स फॉर पाक आर्मी, एक ही बात कहूँगा, पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर का ताज है और हमारी जो तो पहचान फिर इमरान खान की पार्टी की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा जी, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप रियलिटी बेस पे आपने कहा इकोनॉमिकल या टेक्निकली कोई भी आप इशू उठा के देख लें, कोई भी इस अफसोस के साथ बात की करनी पड़ रही है, जिसने भी इस मुल्क के लिए अच्छा सोचा है ना, वो चाहे भुट्टो को आप ले लें, अपने आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, उनके किसी के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इंसाफ नहीं किया, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है? जी मुदस्सर सलीम। आप करते क्या? मैं कारोबारी भी हूँ और सोशल और सियासी एक्टिविटीज़ भी, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है, आइसोलेटेड होता नज़र आ रहा है, अलग थलग होता नज़र आ रहा है, और इंडिया इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है इकॉनमी वाइज और इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो? देखिए पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तन्हा हो गया है, और ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, इसमें पार्टी बेस पे हट के
हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपने सफारती तालुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपनी माशरत को कैसे बेहतर बनाना, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना। और ये देखें, अभी जब तक हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे ना कि फलां ये कर गया फलां ये कर गया, जो कर गया अब उसी को रोते रहना है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है, और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे। देखिए, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए, पब्लिक को बाद में देखेंगे। ये बड़ी अथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि मतलब पहले कोई भी कंट्री है, जब उसके उसमें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो पहले ये देखना चाहिए यानी उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पर आना चाह रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पर हो चुका है, सैमसंग या कोई भी आप कंपनी का नाम ले लें, वहाँ पर मैनुफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पर मुझे बताएँ, बिजनेस भी आप लोग करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है जो आप कहें कि यार ये कंपनी यहाँ पे आना है। सर, सबसे पहले तो हमें इस अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए हमारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो जो वक्फे वक्फे से ना इस मुल्क पे कर चुकी हैं ना, अपना हुकूमत कर चुकी हैं, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन में आने में एक टाइम लगता है, एक जोर लेता है और उसके बाद नामुमकिन हो जाता है, डिफ्लेशन इतना टफ टाइम लेती है। तो ईरान ने अब ऑफर किया है कि मुझसे पेट्रोल लो, ठीक है, मैं आपको गैस देता हूँ, लेकिन हम लोग नहीं लेते, हम फिर कभी रशिया पास जाते हैं और कभी दूसरे कंट्रीज के पास जाके ऑयल लेते हैं। ये भी मैं एक ना अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मोदी से मोदी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रابطہ करो, हम आपके साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं। ठीक हो गया, यानी हम बात करना, लीडरशिप की ज़रूरत है। वो एक ना इंग्लिश मकूला है ना कि वो जो है ना, द पॉलिटिशियन ऑलवेज थिंक अबाउट आफ्टर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइव ईयर, ठीक हो गया, बट लीडर ओनली थिंक अबाउट और नेशन। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है वो आगे का सोचते हैं कि हमारी कुर्सी या हमारी जो सी सियासत है आगे 5 साल बाद क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी। जो लीडर होता है वो सोचता है कि मेरी पब्लिक की क्या पोजीशन होगी या पब्लिक की क्या कंडीशन होगी, कौम का क्या होगा। इन्होंने बात की है कि भाई जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि भाई हम आपसे तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि हम बात किससे करें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की तरह ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी ये सोचते होंगे? बिल्कुल लाजमी सोचते होंगे। ठीक है, कि हमें सबसे अच्छे तल्लुक रखने चाहिए। डेफिनेटली, तो हमारा मेरा जाती पर्सनल ये ख्याल है कि हमारी 70 साल में कोई अच्छी क़यादत नहीं हमें मिली, कोई लीडर नहीं आया, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। अगर अच्छा लीडर एक भी मिल जाता, हाँ। थोड़ा सा हमें इमरान खान से कुछ उम्मीदें थी, ठीक है, और उसको काम नहीं करने दिया। ठीक हो गया। अच्छा तो सर, इसमें पब्लिक का भी आपको नहीं लगता कसूर है काफी हद तक? हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा लीडर नहीं आया, अच्छा लीडर नहीं आया, लीडर पब्लिक में से ही आता है। लीडर कोई इंडिया से तो पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, यूएस से पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, बांग्लादेश से तो आप लीडर नहीं आएगा, लीडर तो हम में से ही उठेगा। बिल्कुल, हमारा ही कसूर है, हम आवाम ही अगर ठीक हो, ठीक है, हम नहीं इनको आगे लाने वाले है ना। ठीक हो गया, अगर हम अच्छा फैसला करें, अपने जमीर की वोट दें, आवाज के वोट दें, हम तल्लक निभाते हैं। ठीक हो गया, जिसलिए हम पीछे रह गए हैं। दुनिया में बात होती है वोट उसे देंगे जो हमारे लिए एजुकेशन के लिए वर्क करेगा, जो हमारे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज पे वर्क करेगा। हमारे यहाँ पे बात होती है कि हम वोट उसे देंगे जो हमें बिरयानी की प्लेट दे देगा, या जो हमारी गलियों को पक्का करवा देगा, या जिससे हमारा पर्सनल तल्लक होता है वो हमारे साथ थाना कचहरी जाएगा, थाना कचहरी के हमारे प्रॉब्लम जो छोटे छोटे काम है ना उसकी वजह से हम बॉन्ड हो जाते हैं उसके सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। लास्ट में ये बताएं, पूरी दुनिया की नज़र अब ये 2 दिन इंडिया पे होगी कि भाई पूरी दुनिया की जो पावरफुल इकोनॉमीज हैं वो इंडिया में मौजूद होंगी, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया 76 साल बाद किस पोजिशन पर खड़े हैं?
पाकिस्तान को भी चाहिए अपना मनवाना कैसे सबके साथ अच्छे तालुकात रखे। ये चीज है अगर जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर तालुकात ने उसने कोई अमेरिका का नहीं कोई सोचा, उसने तेल जहां से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। बिल्कुल उन्होंने अपना मुल्क का सोचा, हमारे इधर कोई मुल्क के लिए सोचता है तो सबसे पहले। अच्छा देखिए बात सिंपल सी है कि सबसे पहले तो मोदी जी ने ये बात सही कही है कि भाई मैं बात करूं तो किससे करूं, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ठीक है आप हम इंडिया से बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो बंदा बोले कि आप बात तो हो जाएगी लेकिन वो बात करें तो करें किससे। जाहिर सी बात है आपके पास तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब कि आपके इतने सारे लोग एक चीज में इन्वॉल्व हैं तो वो किस किस से जाके बात करें, कोई कंफर्म हो ना तो बंदा बात भी करे। आप हर कोई तो सियासत में इन्वॉल्व है, चाहे वो मौलाना हो चाहे वो मतलब आर्मी है चाहे वो पॉलिटिक्स है, तो सब लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से उन्होंने शायद ये कहा होगा। और फिर दूसरी कंट्रीज भी शायद जाहिर सी बात वो भी यही सोचती होंगी। चले ये तो एक अलग बात है, लेकिन वहीं पर ही अगर हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में वैसे तो कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, लेकिन एक बात एक खुशखबरी भी है जो कि मुझे पता चली है तो मैंने कहा कि मैं चलो आपसे भी शेयर करती हूँ। तो बिल गेट्स जो हैं उन्होंने सितंबर की लास्ट में आने की बात कही है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इन आईटी में जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सेक्टर में वो वर्क करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो बिल गेट्स जो हैं वो विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान में इन सितंबर। तो आईटी के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह काफी ज्यादा होंगी। तो अब देखना यह है कि बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो उसका क्या असर होता है। जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान में लोग विजिट करेंगे तभी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है, ये तो गुड न्यूज है लेकिन उसके साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक भाई उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करना चाहता है उनको ये लोग हीरो को जीरो कर देते हैं। हीरो को जीरो कैसे कर देते हैं ये क्वेश्चन मार्क है। हीरो को जीरो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जो अब्दुल कादिर साहब हैं उनको इन्होंने पहले जेल में डाल दिया, उसके बाद हालांकि मुझे याद है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी डेथ पर भी कोई नहीं गया था जनाजे पर, ऐसा सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक बंदा गया था। तो आप ये सोचें कि हमारा हीरो जो है उसको उसकी मौत पर भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो कि उनको मिलनी चाहिए थी जिन्होंने एटम बम बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको आप फिर दुनिया में तो आप जीरो होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में अपने जरूर बताइएगा। मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से अपने अपने इंडियन लोगों के लिए जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो दूसरे लोगों को देखा जाए तो बहुत ही अजीब सा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि भारत अभी G20 होने जा रहा है, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो वहां पर विजिट कर रहे हैं G20 की मीटिंग पर, और वहां पर मिलकर जो है भारत के साथ एक स्ट्रांग रिलेशन बनेगा, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी बहुत सारी डील्स होंगी जो कि एक अच्छी चीज है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी लोगों को आने की जरूरत है, पाकिस्तान में आकर वो डिस्कशन करें, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान आगे ग्रो कर सके। जब तक ही फॉरेनर कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगी पाकिस्तान और डाउन होगा, क्योंकि डॉलर जिस तरह से ऊपर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, खैर इस वीक में तो कम था लेकिन आने वाले वीक में सुनने में आ रहा है कि डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला, तो देखते हैं क्या होता है। तो वहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिक